सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके सामने तरह तरह की चीजें दिखाने जा रहे हैं और आपको पहचानना है कि आज हमारे पाठ का नाम क्या है। बच्चों, आप रोज कक्षा में देखते हैं ये दरवाजा है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये हमारे कबर्ड्स हैं, ये हमारा शीशा है, ये हमारी खिड़की है। तो हर चीज को हमने नाम दिया है। जब नाम दिया है तो कुछ ना कुछ उसकी विशेषता होती है। जब विशेषता होती है तो उसी से हम उसको पहचानते हैं कि ये अच्छी चीज है और ये खराब चीज है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो आज बच्चों हम आपको विशेषण बताएंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण जो होता है बच्चों, वो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसीलिए उनको विशेषण कहते हैं। हर चीज का हम नाम देते हैं, लेकिन जब हम उसको कुछ विशेष नाम दे के पुकारते हैं तो वो हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे ये गेंद है, गेंद तो सबको पता है, लेकिन इसका आकार क्या है? इसका आकार गोल है। तो ये गेंद जो है गोल गेंद, तो गोल गेंद जो हो गया, गोल क्या हुआ बच्चों? विशेषण हुआ। इसी तरह हमारा ये डिब्बा है, ये डिब्बे का आकार कौन सा है? ये डिब्बे का आकार चौकोर है। तो हम ये कहेंगे चौकोर आकार का जो डिब्बा है उसको आप इधर रख दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कौन सा डिब्बा आपको रखना है। ये बोतल में बहुत रंग बिरंगी बॉल्स रखी है, गेंदे रखी है, तो ये कह सकते हैं हम रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी क्या है? गेंदे हैं। तो इसकी विशेषता क्या हुई बच्चों? रंग बिरंगी। ऐसे ही हमारी हरी घास, हरी घास मतलब घास की विशेषता क्या है? हरी। हम इसको नीली नहीं कह सकते, हम इसको गुलाबी नहीं कह सकते, घास की विशेषता होती है हरी। इसी तरह हमारे खाने की कुछ चीजें होती है, जैसे ये हमारा चॉकलेट। चॉकलेट हमेशा मीठा ही होता है, सब बच्चों को पता है कि चॉकलेट की विशेषता क्या होती है? मीठा होता है। आज हमारे कुछ ऐसे पशु पक्षी भी हैं जो हम जिनकी विशेषता होती है, जैसे हाथी। हाथी हमेशा, हाथी को जब हम बोलेंगे बोलेंगे मोटा हाथी। घोड़ा, घोड़ा की जब विशेषता बताते हैं तो हम बोलते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े की विशेषता हमेशा क्या से हम आते हैं? विशेषता उसकी तेज दौड़ने से। ऐसे खाने की कुछ चीजें हैं, आइसक्रीम। आइसक्रीम सबको पता है कि ठंडी होती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद होती है, तो सब बच्चे पहले हर काम को छोड़ के पहले आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे कुछ व्यंजन है जो स्वादिष्ट होते हैं, व्यंजन को हम हमेशा कहेंगे स्वादिष्ट व्यंजन। सुंदर व्यंजन नहीं होता, व्यंजन हमेशा स्वादिष्ट होता है, इसलिए इसकी विशेषता क्या है? स्वादिष्ट। आम, आम हमारा राजा है, फलों का राजा होता है, और आम की विशेषता क्या होती है? वो मीठा होता है और रसीला होता है। तो आम हमेशा रसीला और मीठा। जब आम कच्चा होता है तब उसका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन जैसे ही आम पक जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, वो हो जाता है रसीला और मीठा। पेड़, पेड़ हमें अलग अलग तरह से हम इसकी विशेषता बता सकते हैं, इसकी रंग की विशेषता भी बता सकते हैं, हम इसके स्थिति की विशेषता बता सकते हैं, ये कितना घना है, बड़ा है, हरा है या सूखा है। ऐसे फूल, फूल में रंग बिरंगे फूल होते हैं, किसी में खुशबू आती है, किसी में खुशबू नहीं आती है। कमल का फूल सुंदर होता है, और सूरजमुखी जो सूरज को देख के खिलता है और सूरज को जाते ही वो ढल जाता है, तो इसलिए सूरजमुखी, इसलिए इसका नाम सूरजमुखी है। और सूरजमुखी की विशेषता है कि सूरज की तरह वो खिलखिलाता रहता है। तो बच्चों आज आप लोग को विशेषण की तरह तरह के विशेषण का पता चला। हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आज हमने आपको चीजें